नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ दमदार क्वालिटी की कंपनियों के बारे में, जिनमें आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए निवेश करते आए हैं और आगे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इनका समय थोड़ा डामाडोल है। एक एक करके कंपनियों को डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो पेंट सेगमेंट की एशियन पेंट है। देखिए, इस कंपनी का हाल थोड़ा सा तब खराब हुआ जब से बिरला जी ने अपना ओपस पेंट लॉन्च करने की डिटेल्स शेयर कर दी हैं। देखिए, बिरला ओपस जो है ना, वो छोटे मोटे लेवल पे नहीं आ रहा बाजार में, वो आ रहा है तंगड़ी तरीके से एंट्री मारने की तैयारी में, 10,000 करोड़ का केपेक्स, और बाजार में आते ही सेकेंड नंबर पर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन रहा है वो। तो छोटे लेवल पे नहीं है, जिसकी वजह से एशियन पेंट का स्टॉक क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम में आते हुए दिखा है। 2800 रुपये के भाव पे ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली जो रिजल्ट्स थे वो भी प्रॉब्लम में थे। बट सवाल ये उठता है, क्या एशियन पेंट जैसी कंपनी जो बरसों से अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के देती रही है, एक ब्लू चिप है, बहुत तंगड़े लेवल की ब्लू चिप, क्या वो एक्यूमुलेट एवरेज करने की है या फिर निकल जाए इससे? तो मेरा मानना है कि मार्केट लीडर है दोस्तों, और ऐसा तो है नहीं कि अभी कॉम्पिटिशन आ रहा है, अभी एक साथ बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन आ गया। बट मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कंपटीशन हमेशा तभी डेवलप होता है जब वहां पे डिमांड होती है, ग्रोथ होती है। कभी फालतू की जगह कंपटीशन नहीं होगा। जब डिमांड है मार्केट में तभी नए नए प्लेयर आ रहे हैं, सिंपल लॉजिक है। और पेंट सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आपके लिए ऑर्गेनाइज्ड मार्केट ही ग्रो करती है, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है। अदरवाइज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट ज्यादा तेज ग्रो कर जाती है। आप नोटिस करो, ईंट से लेकर सरिया तक सब कुछ आपको कंपनी और नॉन कंपनी का प्रोडक्ट मिल जाएगा। नॉन कंपनी सस्ती, कंपनी महंगी, लोग नॉन कंपनी में चले जाते हैं। लेकिन पेंट सेगमेंट में आप कहाँ जाओगे? आपको एशियन पेंट मिलेगा, बर्जर पेंट मिलेगा, नैरोलैक मिलेगा, आपको जाना कंपनी में ही पड़ेगा। अब एशियन पेंट की डीलरशिप जो है ना, वो एक अलग ही लेवल की है। आप कहीं भी जाओ, ये इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बिठाई है भाई साहब कि जैसे ही किसी डीलर के पास जो प्रोडक्ट खत्म हो रहा है तुरंत वही पहुंच जाएगा, जिसकी डिमांड आ रही है वही पहुंच जाएगा। तो मार्केट इन्होंने बहुत तंगड़ी तरीके से पकड़ रखा है, जो नहीं छूटने वाला। तो मेरा मानना है कि ये अपॉर्चुनिटी है। मेरा जिस वजह से मानना है, वो वजह मैंने आपके साथ डिस्कस करी, और अपॉर्चुनिटी लगती है मेरे को। बाकी आपको अगर नेगेटिव लग रहा है तो रीजन उसके भी बहुत है। कंपनी की ग्रोथ में थोड़ी दिक्कत दिख रही है, कॉम्पिटिशन टफ हो रहा है, और इस बार कॉम्पिटिशन बड़ा है। ठीक है, बिरला साहब आए हैं तो बिरला से कंपटीशन डेफिनेटली थोड़ा टफ होगा, मार्जिन सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। लेकिन केवल इन्हें ही तो करने नहीं है, मार्जिन पूरी इंडस्ट्री को सैक्रिफाइस करने होंगे। तो फिर आपको ये बात क्लियरली समझ जानी है कि मार्केट में कंपटीशन है, मार्जिन सैक्रिफिकेशन है, लेकिन ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा, इतना कह सकता हूं मैं। अभी 49 के पीई पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, और लंबा कंसोलिडेशन चल गया 2021 से 24 तक, 3 साल हो गया। लेकिन उससे पहले शेयर भागा भी तो था यार, 1700-1500 रुपये से 3500 का भाव दिखा दिया। तो तब किसी ने पूछा क्यों भाग रहा है, तो अब क्यों पूछ रहे हो फिर कंसोलिडेशन में? तो आप लीजिए, 3500 के जो हाई है वो तो डेफिनेटली आएंगे, लेकिन ये स्टॉक जब चलेगा ना इस बार, तो 4500 से पहले नहीं रुकेगा। तो मेरे को लगता है लेना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक है दोस्तों HDFC बैंक का, ये भी नहीं चलता है। इस बैंक की बात करें तो आपको कमी ढूंढने से नहीं मिलेगी, और शेयर का प्राइस अच्छा नहीं मिलेगा। शेयर का प्राइस 6 महीने 1 साल 2 साल जब से वो जो मर्जर की खबर आई है ना, उसके बाद डेड लिस्ट में चला गया है। लेकिन ग्रोथ में आप बैलेंस शीट चेक कर लो, 20% हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है। 60,000 करोड़ का मुनाफा बना रही है एक साल के में कंपनी, एक वित्त वर्ष में 60,000 करोड़ का मुनाफा। इतना मार्केट कैप नहीं है कंपनियों का। तो आपको एक चीज समझनी है कि मेरे पास जो है ना वो हाथी है। इस बात को लेकर काफी लोग मजाक भी करते हैं कि बाजार का हाथी, लेकिन लिटरली हकीकत में ये चीज है। आप देखो, 60,000 करोड़ का मुनाफा बनाने वाली कंपनी को अगर आप खराब बोल रहे हो, तो आप किस मेंटेलिटी से बोल रहे हो और किस सिचुएशन में बैठे हुए, समझने की जरूरत है। ये कंपनी भारत की मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी बैंक है। ये बैंक दुनिया में 5वें नंबर पे है मार्केट कैप के लिहाज से, और आप इसे खराब। HDFC साम्राज्य इतना बड़ा ग्रुप है और उसका एक सबसे बड़ी नींव है, आप इसे कैसे खराब कह सकते हो? 2-3 साल की परफॉर्मेंस अगर शेयर नहीं चला तो उसे खराब नहीं कहना मेरे हिसाब से। और केवल शेयर नहीं चला है, प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट नहीं होता तो दिक्कत थी कि यार कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन प्रॉफिट तो कंटिन्यू बढ़ रहा है। अभी ये स्टॉक अपने 10 साल के लोएस्ट वैल्यूएशन पे मिल रहा है 16 के पीई पे,
ऑन एन एवरेज मीडियन पीई 22 का है, मीडियन पीई पे भी आ जाए तो 2400-2500 रुपए का भाव कहीं नहीं गया, और 25 से 30 के पीई पे आ गया तो 3,500-3,000 का भाव है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पागल नहीं है जो मतलब दबा के खरीदे जा रही है हर गिरावट में, उन्हें कुछ तो दिख रहा होगा, आपसे हमसे तो ज्यादा ही समझदार हैं, बाजार में लंबे समय से काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ये शेयर भी नहीं बेचना है, लेकिन ऐसी कमेंट्री मैं बीते एक साल में 5-7 बार दे चुका हूँ, लेकिन ये शेयर नहीं चल रहा। बट शेयर मार्केट ना 1-2 साल का खेल नहीं है, शेयर मार्केट है 10-5 साल का खेल। तो बड़ा पैसा बनाने के लिए पेशेंस रखना पड़ता है। शेयर बाजार में दो ही चीजों की कीमत है, धैर्य या पैसा। पैसा नहीं है तो पेशेंस रख लो, और पेशेंस नहीं है तो फिर पैसा बड़ा ले आओ, ताकि आपका वॉल्यूम इतना बड़ा हो जाए कि छोटा पैसा भी बने तो भी बड़ा लगे। समझ रहे हो बात को? तो मेरा मानना है कि HDFC भी बाय एंड होल्ड स्टोरी है। तीसरा स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये एक ऐसी कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी है, लेकिन शेयर नहीं पैसा बना रहा इसका। ये स्टॉक 2200-2300-2400 पे ही पड़ा रहता है। आज भी मैं बात करूं तो 2327 की क्लोजिंग है, 53 के पीई पे है, एक समय पे 65 के पीई पे ट्रेड करता था, थोड़े वैल्यूएशन भी सस्ते हुए हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें मेरा भी डामाडोल है, दैट मीन्स भरोसा करें या ना करें। तो इसको लेकर मैं आपके साथ उतना कॉन्फिडेंस नहीं रखता हूं। क्यों नहीं रखता हूं? देखिए, इस कंपनी का ना सब कुछ अच्छा है, कुछ खराब नहीं है, लेकिन प्रॉफिट में भी ग्रोथ नहीं आ रही है, मार्जिन भी इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, और पूरा FMCG चल गया, ये नहीं चल रहा, पता नहीं कब चलेगा, समझ नहीं आ रहा। तो मेरा मानना है कि आप इस स्टॉक में बेशक अपने पैसे को शिफ्ट कर सकते हैं, बट इवेंचुअली कंपनी टिकी हुई है, प्रोडक्ट मार्केट लीडर है, चलना ये भी है, बट इसका थोड़ा सा कब चलेगा, क्यों चलेगा, रीजन ही नहीं है मेरे पास। एक ही रीजन है कि हर घर में इसका प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट तो है बट पैसा क्यों नहीं आ रहा कंपनी का, तो वो मेरे लिए एक दिक्कत का विषय है। बट इस भाव पे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी कुछ खोने के लिए नहीं है, 2200 मैक्सिमम डाउनसाइड है, और कम से कम 2500 तो आपको मिल ही जाएगा। तो अगर कोई एग्जिट या स्विच शिफ्ट करने के बारे में सोचे, भी स्विच करने के बारे में सोचे, तो वो 2500-2500 के तरफ जब जाए शेयर तभी सोचना, अभी तो होल्ड ही करना चाहिए। बाकी ये मेरी तरफ से पूरी वीडियो थी। HDFC बैंक और एशियन पेंट पे मेरा व्यू पूरी तरीके से पॉजिटिव है, रीजन मैंने दिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर को लेकर इस भाव पे कुछ नहीं करना है, 2500 पे आप चाहो तो स्विच कर सकते हो, अदरवाइज यहां भी बन जाएगा, बट कब बनेगा उसका नहीं पता है। स्विच करने के लिए बेस्ट FMCG कंपनी मुझे जो लगती है वो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है, बस। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल वीडियो थी इन 3 ब्लू चिप स्टॉक्स पे, होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड नाइट गाइज़।